दही की कढ़ी बनाने के लिए हमने मिक्सर का जार लिए। ये 1/2 kg दही है। सारा दही हमने मिक्सर के जार में डाले। उसी में डालेंगे हम मिर्ची तोड़ के। आप जितने हिसाब से तीखा खाते हो उस हिसाब से आप कम ज़्यादा तीखा कर सकते हैं। मैंने 4 मिर्ची डाली। आधा चम्मच मैंने नमक डाली। आधा चम्मच हल्दी डालेंगे। ये बेसन है, 1 चम्मच सालन का फुल भर के डाली मैंने। गैस पे मैंने डेगची रखी, गरम करते ज़रूरत के हिसाब से तेल डाली। दही को हमने मिक्सर में पीस के लिए, दही में साथ में ही हमने मिर्ची, हल्दी, नमक सारा मसाला डाल के साथ में पीसे। यहाँ तेल भी हमारा अच्छे से गर्म हो चुका है। हमने राय डाले, जीरा डाले, मेथी दाना डाले, 7-8 लहसुन की कलियाँ और कड़ी पत्ता डाले। अब डाले हमने जीरा। जो दही हमने मिक्सर में पीस के लिए थे उसको हम उसके अंदर गर्म होने के बाद डाल देंगे। तड़के के अंदर ही हमें दही पिसा हुआ डालना है, गरम गरम तड़के के अंदर। और डालने के बाद कंटिन्यू चम्मच चलाते रहना है। किसी को कड़ी मीठी भी पसंद है, वो इस वक्त शक्कर भी डाल सकता है। कढ़ी में जोश आने तक हम उबाल के लेंगे कढ़ी को। कढ़ी हमारी पक चुकी है, कढ़ी में जोश आया। अब हम गैस बंद कर देंगे। यहाँ कढ़ी बन के हमारी रेडी हो चुकी है। कढ़ी के साथ खाने के लिए हम मिर्ची फ्राई करेंगे। हमने 6-7 मिर्ची को धोकर चीरा लगा के लिए, यहाँ हमने लिए धनिया जीरा पाउडर 1 चम्मच, आधा चम्मच हल्दी, नमक 1/2 चम्मच, ये मेथी की पाउडर है 1/2 चम्मच, उसमें थोड़ा सा हींग लिए थे हमने। ये मैजिक मसाला है। पाव चम्मच मैजिक मसाला उसमें डाले हमने। सबको अच्छे से मिक्स करके लेंगे। मसाला हमारा अच्छे से मिक्स करके लिया हमने। जो मिर्ची को हमने चीरा लगा के लिए उसके अंदर हम भर के लेंगे। ऐसे ही हम सारे मिर्ची में मसाला भर के लेंगे। कढ़ी के साथ खाने में बहुत मज़ा आता।
एक एक करके सारी मिर्ची में हमने मसाला भर के लिए। गैस पे हमने पैन रखे गरम करने के लिए। ज़रूरत के हिसाब से हम ऑयल डालेंगे। ऑयल को गरम होने देंगे। यहाँ ऑयल भी हमारा अच्छे से गरम हो चुका है। उसमें डालें मिर्ची। हम गैस को लो फ्लेम पे रख के मिर्ची को फ्राई करके लेंगे। और पकोड़े की वीडियो मैंने पहले डाल चुकी हूँ। यहाँ धीमी आंच पे हमने मिर्ची को हल्का हल्का करके फ्राई करके लिए। एक बार मेरे तरीके से बना कर देखना। मिर्ची भी खाने में बहुत मस्त लगती। यहाँ कढ़ी पकौड़ा बनके हमारा रेडी हो